नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। चुकनारा मंदिर कांड में पुलिस के हत्थे चढ़े हथियारों सहित हुए काबू। पानीपत के चुकलाना में आपसी रंजिश के चलते चुकलाना निवासी सोमपाल नामक युवक की हत्या में फरार तीन आरोपियों को पुलिस CIA ने टीम के साथ में हथियारों को काबू कर लिया है। हथियारों ने चुकलाना निवासी ऋषि चुकलाना के साथ मिलकर के मंदिर परिसर में की थी सोमपाल की हत्या। ऋषि चुकलाना व एक साथी को पहले ही पुलिस काबू कर चुकी है और जेल भेज चुकी है। वहीं पुलिस के लिए सरदर्द बने ऋषि चुकलाना गिरोह के तीन साथियों को पुलिस ने काबू कर लिया है। 26 जुलाई को पानीपत के गांव चुकलाना मंदिर में परिसर के अंदर सोमपाल नामक एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी और फरार हो गए। वहीं परिसर में लगे CCTV कैमरा में घटना रिकॉर्ड हो गई थी। वहीं कुछ लोगों ने हत्यारों की मुख्य सरगना की पहचान भी कर ली थी, जिसकी पहचान ऋषि चुकलाना के रूप में हुई थी। पुलिस ने ऋषि चुकलाना व उसके साथी को पहले ही काबू कर जेल भेज दिया था। वहीं आज पानीपत की CIA 2 की टीम ने तीन फरार हत्यारों को भी तीन देशी तमंचे व दो जिंदा कारतूस के साथ काबू करने में सफलता हासिल की है। आज पुलिस द्वारा उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने हत्या के पीछे आपसी रंजिश बताई। आप देख रहे हैं पानीपत से अनीश कौशिक की ये रिपोर्ट। छब्बीस जुलाई को गांव चुलकाना के मंदिर में एक सोमपाल नाम के आदमी की हत्या हुई थी। उसमें पांच आईडी नीचे टोटल इन्वेस्टिगेशन में आए हैं। वो हमारे CIA 2 इंस्पेक्टर योगेश की टीम ने उनमें से आज तीन अक्यूज को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। दो अक्यूज पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जो आज अभी जो हमारे पास रिमांड पर हैं उनमें से जो तीन लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे एक एक देसी पिस्तौल 315 बोर और दो लोगों से एक एक कारतूस की बरामद हुए। सर, ये क्यों मारा था? ये इनकी आपसी रंजिश का इशू था। कोई सोमपाल का के रिश्तेदार का मर्डर हुआ है, पहले तो रंजिश में गैंग वाले इन्होंने करके इसकी हत्या की। सर, मेन सरगना कौन था और ये संपर्क में कैसे आई इनकी? मेन सरगना इसका ऋषि था जो चुलकाना गाँव का था, और ये जो इसके यूपी से ये तीन लोग अभी जो अरेस्ट किए हैं रसूलपुर गांव के हैं, ये इसके दोस्त थे। तो इस ऋषिपाल ने ये गैंग बना के और अपनी रंजिश निकालने के लिए हत्या की। सर, सीसी फुटेज आई थी, सर उसके आधार पर इनकी पहचान हुई थी, आप कैसे हुई? सीसी फुटेज भी आई थी, वो भी एक आधार के आधार पर भी हुई थी और लोकल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर भी वेरीफाई। पहले भी कोई मुकदमे से? ये सनोली गांव से एक सूचना के आधार पर हमने पकड़े। पहले कोई मुकदमे से इनके ऊपर? पहले मुकदमे हैं जो चुलकाने वाले हैं, लड़का एक उनमें है, आर्म्स एक्ट का है, एक जो यूपी वाला लड़का है उसके ऊपर भी आर्म्स एक्ट का 307 का एक केस है यूपी में। अभी वो जो उनके होम पुलिस स्टेशन से उनसे उनका रिकॉर्ड ले रहे हैं, वो देखेंगे कि और कितनी FIR इनके ऊपर। मारने वाले पांचों शामिल थे, ऋषि भी वही था। ऋषि भी था।